अभी सुनो बेटा, इसको ध्यान से करना आपने, वन बाय वन समझ लो। पहले डिफरेंशिएशन में क्या करोगे आप, पहले पावर आगे ले आवा थे, फिर एक बेटा थे करो थे ना, लेकिन बेटा इंटीग्रेशन में उल्टा है। उसमें क्या क्या मैंने पहले पावर आगे ले आवा थे और एक बेटा थे, इसमें उल्टा है, पहले पावर में एक जोड़ेंगे और आगे नहीं नीचे ले आओगे। क्या बोले बेटा? मैंने क्या बोला? देखिए बेटा, इंटीग्रेशन में निशान यो है, ठीक है, जर्नल इंटीग्रेशन x की पावर n, और किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के ही रिस्पेक्ट में होगा। यदि बेटा x के रिस्पेक्ट में हो तो ठीक, फिर तो ये फंक्शन है। यदि यहां कुछ और होगा तो ये क्या बन जाता? कॉन्स्टेंट। क्या बन जाता? कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट गुणा में क्या जगह बाहर आ जाता है। तो बेटा ये रकम बन गया आपकी, इंटीग्रेशन बन गया। अब इसमें फार्मूला मैंने बताया है भाई, डिफरेंशिएशन में पहले पावर तब आगे ले आओ थे, फिर एक बताओ थे, इसमें उल्टा करना है, एक जोड़ दो और फिर नीचे ले आओ। कैसे? पावर में कितने जोड़ोगे? एक, और वही नीचे ले आओ। बस जैसे कि x की पावर दो का इंटीग्रेशन करना है तो पावर कितनी है? दो है, दो में एक जोड़ा तीन और यही नीचे आंसर आ गया। समझ गए? और यहां क्या जोड़ा जाता है बेटा? C। क्या जोड़ा जाता है? एक C जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? एक C जोड़ना है। C का मतलब है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मतलब बेटा? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है बेटा ये? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस C का प्रयोग तब करना जब आपके पास इंटीग्रेशन कैसा हो। दो प्रकार के इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनाइट, एक होता है इनडेफिनाइट। डेफिनाइट वो होता है जिसमें तुमने लिमिट पता हो भी कहां तक जाना। यदि हमें पता हो लिमिट ए से बी, फिर तो ये सीन में आएगा। समझ गए? आयसन में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कब जोड़ा जाता है बेटा? जब लिमिट ना दी हो। जब लिमिट ना दी हो, समझ गए? लिमिट दे दी तो इसका मतलब कहां तक जोड़ना बता दिया उसने भी, यहां पे जोड़ना आपने। इब हमें नहीं पता कहां तक जोड़ना, इसमें क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ कमी पेशी है जाती है, उसको ठीक करने के लिए क्या लगाया जाएगा? एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है। दो प्रकार के इंटीग्रेशन है बेटा, एक डेफिनाइट और एक इनडेफिनाइट। ठीक है, जिसमें लिमिट दी हो वो तो डेफिनाइट, जिसमें लिमिट दी हो वो डेफिनाइट। यहां लिमिट देगा ए से बी, इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो लोअर होती है अपर, तो एक ध्यान रखना है जिसमें लिमिट दी हो बेटा उस इंटीग्रेशन को क्या बोलते बेटा? डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल है बेटा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ये, समझ गए? डेफिनाइट है ये। यदि लिमिट ना दी हो उसमें इनडेफिनाइट, और इनडेफिनाइट में क्या लगेगा? सी लगेगा। रूल याद रखना है, पहले पावर में एक जोड़ दिया और फिर वही नीचे, जो पावर वही नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा जैसे कि हम कर रहे हैं एक्स, अब बेटा ये ले लेते हैं क्वेश्चन, dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा? dx का इंटीग्रेशन हम x लेते हैं। क्या लेते हैं? x। क्यों आया? क्योंकि बेटा किसी के भी गुणा में क्यों होगा मेरे बच्चों? एक। क्या होता है बेटा? एक होता है। और एक का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर जीरो। क्या होता है मेरे बच्चों? एक्स की पावर जीरो। क्या रूल था इंटीग्रेशन का? जीरो में क्या जोड़ा? एक, और वो नीचे ए आ गया, आ गया एक्स। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता बेटा? एक्स होता है। वो कैसे है? इस तरह आएगा, क्योंकि हर एक रकम के गुणा में क्या होता है बेटा? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो उस एक की वैल्यू क्या होती है? एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो में एक जोड़ दिया, एक। क्लियर है? अब यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए और यहां dx और ये आ जाए, तो कैसे करोगे बच्चों? इसको अलग अलग करोगे, क्या रकम होगी? तीन। क्या रकम होगी बेटा? तीन रकम। तो बेटा तीन रकम है, चलो करते हैं इसको। हाँ भाई, क्या आएगा पहले? इंटीग्रेशन किसका? 3x² dx जमा इंटीग्रेशन किसका?
फोर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू इंटू डी एक्स। बिट्टो पहले तीन बार ले जाओ, तीन बार लेके क्या रह गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस चार बार लेके क्या रह गया एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की पावर कितनी है यहाँ वन प्लस टू बाहर लेके क्या रह गया डी एक्स। अभी तरह था डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स तो ये क्या बन गया टू एक्स। एक्स की पावर एक क्या जगह इसमें करो पहले तीन नुकान एक्स की पावर दो ना एक जोड़े एक्स की पावर तीन बटे तीन प्लस चार इंटू एक्स की पावर दो बटे दो और प्लस ये है ही है तो काट दो बेटा जो कटता है। आंसर क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर अच्छा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स। लेकिन बेटा कौन सा इंटीग्रेशन है यहाँ सी लगेगा तो कैसा यू है ना नॉट डिफाइनमेंट अनडेफिनाइट इंटीग्रल है इसलिए क्या लगेगा बेटा सी लगा दिया हमने। क्या लगा दिया सी लगा दिया। क्लियर है आ जाएगा। अब मैं एक दो क्वेश्चन तो पावर वाले हैं बेटा वैसे वो करा देता हूं आपको। क्या बनेगा बेटा दोनों अलग अलग करो पहले अलग अलग करें इन ऊपर ले जाओ पहले इसका तो हो गया क्या यहां एक जोड़ी नहीं ना मैं माइनस 98। अरे बेटा 99 में प्लस एक कर दो 98 माइनस का और नीचे माइनस का 98 वही आएगा जो ऊपर आएगा प्लस इसको इंटीग्रेशन ऊपर लेगा जाओ एक्स की पावर माइनस 100 माइनस 100 क्या बन गया बेटा क्या या एक्स की पावर माइनस 98 बाय माइनस 98 और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स की पावर 99 माइनस का तो इसका मतलब है एक्स की पावर माइनस 99 और नीचे माइनस 99 और प्लस सी आंसर आएगा बेटा। क्लियर है ठीक है तो ये था बेटा आपका इंटीग्रेशन ठीक है। अब मैं थोड़ा एक पार्ट और सिखा देता हूं वो है लिमिट कैसे पुट करनी है। यदि आपको लिमिट दी हुई हो तो आपको कैसे पुट करनी है लिमिट लिमिट को कैसे पुट करोगे वो देखिए बेटा लिमिट को कैसे पुट करनी है बेटा आपने एक सिंपल सा इंटीग्रेशन ले लेते हैं ये ले लिया हमने एक्स इंटू डी एक्स दो से चार दो से सीख लो भाई ये सीख लो पहले पहले लिमिट पहले इंटीग्रेशन करो तुम पहले इंटीग्रेशन करो एक्स की एक है तो क्या जगह क्या बनेगा कंचन एक्स की दो बटे दो और लिमिट कितनी है बेटा दो से चार ये लिमिट है बेटा इंटीग्रेशन हुए इंटीग्रेशन का निशान तो यह था सिर्फ इंटीग्रेशन का तो निशान यह था समझ गए लिमिट ये लगानी है ई बेटा इसमें तो एक बटे दो तो ले आओ पैर एक बटे दो बार लिया अंदर क्या रह गया क्या रह गया बेटा एक्स स्क्वायर और लिमिट लगा दो दो से चार इफ एक बटे दो तो एडिटिव है इफ सोलह बेटा कैसे लगाओगे लिमिट पहले ही एक्स की जगह ऊपर लिमिट पुट करनी होती है अपर माइनस लोअर पहले ही जो एक्स है ना इसकी जगह क्या रख दो चार आरुषि उधर देखो बच्चे पहले एक्स है इसकी जगह चार अपर माइनस लोअर होता है कि जो एक्स है बेटा इसकी जगह क्या रख दो चार तो चार की पावर दो नहीं है माइनस इन इस एक्स की जगह लेकर इधर दो चार की पावर दो सोलह दो की पावर दो चार सोलह में चार गए बारह बारह बटे दो छह आंसर आ गया कितना आ गया
चार नंबर आ गया इसका, क्लियर है? लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, ये देखिए एक्स की थ्री इंटू डी एक्स वन से लेकर थ्री, अब एक करो क्या होगा, एक्स की पावर चार बटे चार, लिमिट एक से तीन, कॉमन क्या होगा एक बटे चार, क्या रहेगा क्या एक्स की पावर चार, लिमिट क्या लगेगी एक से तीन, एक से तीन, तो बेटा एक बटे चार में पहले एक्स जो है तीन, तीन की पावर चार माइनस एक्स जो है एक, एक की पावर चार, अरे एक की पावर चार एक और तीन की पावर चार इक्यासी, तीन की पावर चार इक्यासी, ठीक है ना, इक्यासी में तो एक गया अस्सी, अस्सी बटे चार आंसर कितना आ गया बीस आ गया, आ गया समझ में? पहले क्या करना होता बेटा अपर फिर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर,